हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गेम के अंदर कस्टम फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कल मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी, और साथ में आज आप लोगों के लेके आए दो टाइप के फॉन्ट्स का पैक, और इसमें आपको मैं इंस्टॉल करना भी बताऊंगा, और ये किस टाइप के दिखते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी कोई वीडियो और मॉडपे को कभी मिस ना कर पाओ। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उसे आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे गाइस, और आप मेरे ये पोस्ट पे पहुँच जाओगे। उस पोस्ट को आपको ओपन करना है, रिसेंट वाला पोस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देख लीजिए क्या वजह को कंप्लीट करना है। ट्रैफिक लाइट यहाँ पे देख लीजिए, ट्रैफिक लाइट को आपको सेलेक्ट कर लीजिए, आपका कुछ भी आ सकता है। ओके, वेरीफाई कर दीजिए, और ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपके ऑप्शन आ गया क्लिक हियर टू डाउनलोड, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे थोड़ा सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ओके, वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो उसे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए 0 सेकेंड बची और हमारा हो गया। गेट लिंक पर आपको क्लिक करना है, और आप पहुँच जाओगे मीडिया फायर पर, और वहाँ से आपको उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। 200 KB की फाइल है, आपको इसे डाउनलोड करना है, और ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। सो गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपको उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फाइल मिलेगी उसको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर दीजिए, और ये आ गया हमारा फोल्डर। ओके, इसके अंदर आपको जाना है, इसके अंदर आपको दो फोल्डर और मिलेंगे, विथ अल्फा और विथ अल्फा, ठीक है। दो फोल्डर मिलेंगे, सभी टेक्स्ट विथ अल्फा के अंदर जाएंगे, ठीक है। पहला वाला फॉन्ट है GTA 5 का, दूसरा वाला है नॉर्मल वाला। तो हम पहले GTA 5 का ही डाल के दिखा देता हूँ आपको। दो फॉन्ट के टेक्सचर मिलेंगे, दोनों को एक बार में ही आपको इंपोर्ट करना है अपने txt.txt के अंदर। ओके, txt टूल का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप PC का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ओपन कर लीजिए अपनी txt.txt। ओके, इसको आपको ओपन करना है, इसी के अंदर ही आपको जाना है, और फ्रॉम इमेजेस पे जाने के आपको विथ अल्फा लेना है, और हमारे जो टेक्चर हम जो अभी एक्सट्रैक्ट किए थे फोल्डर के अंदर से, पहला वाला या दूसरा वाला कोई सा भी आप डाल सकते हो। पहला वाला डाल के दिखा देता हूँ, दोनों के दोनों आपको टेक्चर्स को सेलेक्ट करना है, फॉन्ट 1 फॉन्ट 2 को ओवरराइड जरूर करना है, कैनन को डिसेबल कर दीजिए और ओके पे कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस टेक्चर्स को डालना, मैं आपको एक तरीका बता दिया हूँ, आप इसी तरीके से दूसरे वाला भी आप डाल सकते हो अगर आपको दूसरा वाला पसंद है तो। दो टाइप के फॉन्ट्स का पैक दिया हूँ मैं। ओके, हो चुके हैं हमारे गेम में इंस्टॉल, अब मैं आपको गेम को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना गेम ओपन कर दिया है गाइस, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप का आपको दिखता है, और यहाँ पे मैंने GTA 5 का मोड मेनू भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है स्टार्ट गेम, और ये ऑप्शन इस टाइप का, ये जो स्टाइल है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, देख लीजिए कंट्रोल, ये इस टाइप के सभी जितने भी टेक्स्ट थे हमारे गेम के अंदर फॉन्ट सभी चेंज हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा स्टाइल है गाइस, ये GTA 5 का फॉन्ट का स्टाइल है, जैसे स्टार्ट गेम, ये सभी तरह की चीज़ें आपके गेम के अंदर चेंज हो जाएगी। साथ में जो अपने गेम के अंदर जो चीज़ें लिखी आती है जैसे मिशन के पास करते टाइम, वो सभी हर तरह के टेक्स्ट जो अपने गेम के अंदर होते हैं सबके सब आपको चेंज दिखेंगे अपने गेम के अंदर। और ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर हो नई बार और आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप मेरी कोई वीडियो और मॉडपे को कभी मिस ना कर पाओ, उन्हें सबसे पहले खेल पाओ। और मैं मिलता हूँ हमारी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।